जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 17 के बारे में और साथ ही डिस्कस करेंगे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 17 के बारे में। और आज का जो आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक है नहीं कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्तीय निर्देशांकों के रूप में कर्ल का मान को क्या है भी फाइंड करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने इससे एक दो लेक्चर पहले हमने डिस्कस किया था भी किसी सदिश फलन का क्या है भी डाइवर्जेंस क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे किसी सदिश फलन का क्या है भी कर्ल क्या होता है, उसके बारे में किस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होंगे, या किसी भी कोई आपके पास वेक्टर क्वांटिटी दे दी जाए और उसका आपको कर्ल फाइंड करना हो तो आप उसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ठीक है। और जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आपने फाइंड किया था भी किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग फाइंड किया था भी किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल क्या होता है भी, कोई पाथ ले लो उसके जो लाइन इंटीग्रल का मैक्सिमम मान अपॉन क्या है भी जो पाथ लिया गया जितना एरिया कवर करता है उससे क्या है भी डिवाइड कर दो। यही था भी आपका किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल क्या था भी आपका लाइन इंटीग्रल मैक्सिमम अपॉन क्या हो भी जो एरिया हो जो क्या भी पाथ लिया गया जितना एरिया कवर करता है उससे डिवाइड कर दो, वो आपका क्या आ जाता है भी सदिश क्षेत्र का कर्ल आ जाता है, ठीक है। और कंडीशन वहां पे एक कंडीशन ये भी थी भी जो कर्ल हो वो आपका क्या हो बे, एक तो जो लाइन इंटीग्रल हो वो तो क्या होना चाहिए भी आपका मैक्सिमम हो, और जो आपका जो एरिया कवर करता हो वो भी क्या हो भी न्यूनतम हो या अत्यल्प हो, ये भी दो कंडीशन थी। वैसे सारी कंडीशन आपने क्या भी पहले वाली डेफिनेशन जो पीछे वाले लेक्चर के अंदर आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर मैंने स्पष्ट रूप से क्या है भी बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग उसी के बेसिस पे चलते हुए क्या है भी अपने कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को क्या है भी अपने फाइंड करेंगे। तो कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए कोई प्लेन देखते हैं भी, ये कोई प्लेन है आपका, ठीक है, ये कोई क्या है भी प्लेन मान लो, ये क्या है भी आपके एक्स एक्सिस होगी, ये क्या है भी आपके वाई एक्सिस होगी, ठीक है। ये कोई आपका क्या मान लो भी मूल बिंदु मान लो, ये क्या भी आपका कोई मूल बिंदु O है। अब क्या है भी इसके ऊपर कोई क्लोज लूप बना लो, ठीक है, ये इसको नाम दे दो K, L, M और N। एक क्या है भी एक क्लोज लूप है आयताकार पार्ट का, ठीक है। ये मान लो कि अभी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस प्रकार से क्या है भी कोई क्लोज लूप क्या है दिया गया है एंटी क्लॉकवाइज रूप से। अब क्या है भी ये कोई इसका मूल बिंदु O है, ठीक है, और इस मूल बिंदु O पर कोई आपका सदिश फलन है वो क्या है भी आपका A है। सदिश फलन क्या है भी वो क्या है भी आपका A है। इस मूल बिंदु पे क्या है भी कोई आपका जो सदिश फलन दिया गया है वो क्या है भी आपका A है, और इस मूल बिंदु पर जो इसका जो वेक्टर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा भी AX I कैप, AY J कैप और AZ K कैप के ऊपर, ठीक है। ए सदिश होगा वो क्या होगा भी इसका एक्स डायरेक्शन के घटक, एक्स डायरेक्शन के अंदर घटक क्या हो जाएगा भी ए एक्स, वाई डायरेक्शन के अंदर घटक क्या हो जाएगा भी आपका ए वाई, और जेड डायरेक्शन के अंदर जो आपका घटक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भी आपका ए जेड। क्लियर है आपका यहां तक? तो अपने मान सकते हैं भी इसका एक्स डायरेक्शन के अंदर घटक क्या है भी आपका ए एक्स, वाई डायरेक्शन के अंदर घटक क्या है भी ए वाई, और इसका जेड डायरेक्शन के अंदर घटक क्या है भी आप इसका ए जेड मान ले, ठीक है। भी कहने का मतलब ये हो गया भी मूल बिंदु O के ऊपर, मूल बिंदु O के ऊपर कोई सदिश फलन या जो वेक्टर फंक्शन क्या है आपका ए सदिश है, और इसके एक्स
वाई और जेड डायरेक्शनों के अंदर बिंदुओं पर घटक क्या है बी के, ए एक्स ए वाई और ए जेड। ठीक है, ये कोई क्या है भी आयताकार लूप है, क्या है भी आपका आयताकार लूप है। तो ये मान लो क्या है बी इसकी लेंथ डी एक्स हो गई और ये क्या हो गई बी इसकी डी वाई हो गई। ये क्या है भी कोई आयताकार लूप हो गया, तो ये क्या हो गई आपकी डी एक्स हो गई, ये जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई आपकी डी वाई हो गई। ठीक है, क्लियर है आपका। अब आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है भी, ये सदिश फंक्शन क्या है भी ये ए है और इसका क्या है भी आपको कर्ल फाइंड करना है। क्या करना है भी इसका कर्ल फाइंड करना है। देखिएगा कर्ल की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने फाइंड किया था भी किसी सदिश वेक्टर का कर्ल ज्ञात करना हो तो उसके लिए अपने क्या करते हैं भी कोई पथ दिया गया है उसका जो एरिया लिया गया हो, भी कोई पथ है उसका लाइन इंटीग्रल क्या हो भी मैक्सिमम हो अपॉन क्या आ जाए भी उसका एरिया आ जाए। किसी सदिश वेक्टर का कर्ल क्या होता है लाइन इंटीग्रल मैक्सिमम अपॉन क्या है भी उस लाइन इंटीग्रल द्वारा क्या भी परिबद्ध क्षेत्रफल वो आ जाए। और यहाँ पे कंडीशन क्या थी जो आपका परिबद्ध क्षेत्रफल हो वुड क्या है भी आपका डी ए क्या होना चाहिए भी अल्पांश के रूप में होना चाहिए या अत्यल्प क्या होना चाहिए भी जो डी ए आपका जो एरिया दिया गया हो वो क्या हो भी आपका काफी ज्यादा क्या हो भी स्मॉल हो। ऐसी कंडीशन आपने क्या भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है भी आपने पढ़ी थे। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया भी इस बिंदुओं पर जो कोई सदिश वेक्टर है उसका मान क्या है भी आपका ए है और बिंदु ओ के ऊपर ही बिंदु ओ के ऊपर भी इनके एक्स वाई जेड डायरेक्शनों के अंदर जो घटक है इस बिंदु ओ के ऊपर इसके जो एक्स वाई जेड डायरेक्शनों के अंदर जो घटक है ए एक्स ए वाई और ए जेड है। क्लियर हो गया। अब एक जो मोस्टली जो बात है आपकी अच्छे तरीके से पढ़ने वाली है, अब ये बताता है भी बिंदु O के ऊपर जो x डायरेक्शन का जो घटक है सदिश फलन का वो क्या है भी ax है। यदि हम इस साइड की तरफ जाते हैं, यदि हम क्या है भी इस साइड की तरफ जाते हैं x पॉजिटिव x डायरेक्शन की ओर तो ax के घटक के मान में क्या होती है वृद्धि होती है। भी बिंदु O पर जो आपका सदिश वेक्टर का जो फंक्शन है जो एक्स घटक है वो क्या है भी आपका ए एक्स है। यदि हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो इस सदिश वेक्टर ए जो आपका जो ए एक्स है इसके मान में क्या होती जाती है भी वृद्धि होती जाती है। उसी प्रकार से अपनी क्या है भी माइनस एक्स डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो ए एक्स के मान में क्या होती जाती है भी कमी होती जाती है। माइनस एक्स डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ए एक्स के मान में क्या होती जाएगी भी आपकी कमी होती जाएगी। उसी प्रकार से यदि ए वाई की तरफ जाते हैं पॉजिटिव वाई की तरफ तो ए वाई के घटक के मान में वृद्धि होती है, नीचे की तरफ जाएंगे तो ए वाई के घटक के मान में क्या होगी भी कमी होगी। कहने का मतलब उसी प्रकार ए जेड भी आपका क्या है भी रिएक्ट करता है। कहने का मतलब बिंदु ओ पर सदिश फंक्शन ए सदिश है आपका उसके जो एक्स वाई जेड घटकों के मान क्या है भी ए एक्स ए वाई और ए जेड है। जो घटकों के मान है वो क्या है भी आपके ए एक्स ए वाई और ए जेड है। ठीक है, अब दूसरा क्या बताता है यदि हमें ए एक्स से क्या है भी यदि बिंदु ओ से क्या है भी अपने प्लस एक्स दूरी की तरफ जाएं या माइनस एक्स दूरी की तरफ जाएं तो इनके घटकों के मान में चेंज होता है, इनके घटकों के मान में चेंज होता है। ठीक है, अब क्या भी ए एक्स इधर की तरफ जाएंगे तो ए एक्स के मान में चेंज होगा, इधर की तरफ जाएंगे तो ए एक्स के मान में चेंज होगा। ठीक है, कहने का मतलब बिंदु ओ से यदि क्या भी प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ जाएं या माइनस एक्स डायरेक्शन की तरफ जाएं इनके घटकों के मान में ए एक्स ए वाई ए जेड के मान में क्या होता है भी चेंज होता है। क्लियर हो गई बात आपकी। ठीक है, अब एक बात और भी बताता है आपका भी बहुत सुनने वाली बात है भी इसका जो मेथड का इसके अंदर उपयोग होने वाला है। यदि आपका जो ए एक्स है
यदि आपका क्या है भी ex है, यदि हम प्लस x डायरेक्शन के अंदर जाते हैं भी इधर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ax घटक के मान में क्या होती है भी चेंज होती है। ठीक है, अब ये बताता है भी a प्लस x डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो ax के घटक के मान में क्या होगा, चेंज होगा। बट एक बात और बताता है, यदि हम y डायरेक्शन की तरफ जाएं तो भी ax के घटक के मान में चेंज होगा, और यदि z डायरेक्शन की तरफ जाएं तो भी ax के घटक के मान में चेंज होगा। थोड़ी सी एक बार और सुन लीजिएगा बात, इस मेथड का यूज करना है आपको। अब मैं बता दूं भी आपको, यदि हम इधर साइड की तरफ जाते हैं भी इस बिंदु पर x दिशा में घटक का मान क्या है भी आपका ax है, इस बिंदु पर x दिशा में जो आपका घटक है उसका मान क्या है भी ax है, यदि हम इधर साइड की तरफ जाते हैं प्लस x डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो ax के मान में क्या होता है, चेंज होता है। ax के मान में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अब यह बताता है भी x डायरेक्शन के अंदर जाने पर ax के मान में चेंज होता है, यदि हम y और z डायरेक्शन के अंदर जाएं तो भी ax के मान में चेंज होगा, तो भी क्या होगा, ax के मान में चेंज होगा। ठीक है, कहने का मतलब जो बिंदु o के ऊपर जो आपका x कंपोनेंट है ax, वो के मान में जो चेंज होता है यदि हम इधर की तरफ जाएं या इधर की तरफ जाएं, वो क्या भी x डायरेक्शन के अंदर जाने से क्या भी x डायरेक्शन के अंदर तो चेंज होगा ही, वो चेंज यदि हम y डायरेक्शन के अंदर जाएं तो भी ax के घटक के मान में चेंज होगा, तो भी क्या है भी ax के घटक के मान में क्या होगा, चेंज होगा। कहने का मतलब ax के मान में जो चेंज होगा, यदि x y z किसी भी डायरेक्शन के अंदर जाएं तब भी ax के मान में क्या होगा, चेंज होगा। यदि अपने ay कंपोनेंट ले लें तो भी x y z डायरेक्शनों के अंदर कौन सी भी डायरेक्शन के अंदर जाए ay के मान में चेंज होगा। यदि अपने az कंपोनेंट ले लें तो यदि x y z किसी भी डायरेक्शनों के अंदर जाए तो az के मान में क्या होगा आपका, चेंज होगा। ठीक है, भी कहने का मतलब जो ax और ay और az आपके जो बिंदु O के ऊपर जो घटक है, ये इन तीनों का मान यदि हम x y z डायरेक्शन किसी के अंदर जाएं तो तीनों के मान में, तीनों के कारण ही चेंज होता है। ax के मान में चेंज x y z तीनों घटकों के कारण होगा, ay के मान में चेंज ax y z तीनों घटकों के कारण होगा, उसी प्रकार क्या है भी az के मान में भी चेंज होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये आपकी बात। अब आगे और डिस्कस करते हैं भी, अब आपको क्या है भी कर्ल होता है, कर्ल ए, ये क्या होता है, सिंपल लिखिए भी लाइन इंटीग्रल मैक्सिमम रेखा समाकल अपॉन क्या है भी एरिया, अपॉन क्या है भी एरिया, यही होता है। वैसे लिमिट वगैरह के सारा कुछ लगा देंगे अपने, ठीक है, वैसे ज्यादा नहीं लगे दिमाग आप भी, लिमिट लगा देंगे डीए टेंस टू जीरो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। बट अपने क्या है भी कर ले, ए वेक्टर क्या होता है, लाइन इंटीग्रल मैक्सिमम अपॉन एरिया होता है, जहां पे एरिया क्या हो भी आपका काफी ज्यादा स्मॉल हो, वो अपने बात मान ली भी ये एरिया दिया गया है, इसका मान क्या हो भी आपका अत्य अल्प हो, काफी ज्यादा स्मॉल हो, कंडीशन अपने बता चुके हैं अपने इसके बारे में। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं, लाइन इंटीग्रल किस प्रकार से फाइंड करेंगे, लाइन इंटीग्रल फाइंड करना हो तो ये फाइंड करेंगे ना, पहले के से लेके एल का फाइंड कर लेंगे, एल से लेके एम का फाइंड कर लेंगे, एम से लेके एन का फाइंड कर लेंगे, और एन से लेके के का फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से फाइंड करेंगे के से लेके एल, एल से लेके एम, एम से लेके एन, और एन से लेके के, इन टोटल का लाइन इंटीग्रल जोड़ देंगे तो ये लाइन इंटीग्रल मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, अब लाइन इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये मान ले कोई डीएल अल्पांश दिया गया है और वहां पे सदिश वेक्टर का मान क्या है भी ए सदिश है, तो रेखा समाकलन क्या हो जाएगा, ये ही होगा लाइन इंटीग्रल।
कोई अल्पांश दिया गया है डीएल, वहां पे क्या है बी सदिश वेक्टर का मान क्या है, बी सदिश फंक्शन का मान क्या है, बी आपका ए सदिश है, तो आपका जो लाइन इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, ये ही होगा आपका रेखा समाकल। ए सदिश डॉट डीएल यही होगा आपका रेखा समाकल। अब जो ए सदिश डॉट डीएल है वो क्या होगा भी आपका ए डीएल कोस थीटा, ए डीएल कोस थीटा होगा, ठीक है, क्या होगा भी आपका ए डीएल कोस थीटा, क्लियर हो गया आपका बात। और जो आपका एडीएल कोस थीटा मैक्सिमम कब होगा, यदि अपने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो कोस 90 क्या हो जाता है भी जीरो हो जाता है, लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा भी आपका जीरो हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा भी जीरो हो जाएगा। यदि थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या हो भी जीरो हो तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो लाइन इंटीग्रल है वो क्या प्राप्त होगा भी आपका एडीएल प्राप्त होगा। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब डीएल क्या हो गया भी आपका, आपका जो डीएल हो गया वो क्या हो गया भी आपका, यहां पे भी ले लो, यहां मान लिया अपने तो ये हो गया भी आपका डीएल अल्पांश हो गया, ठीक है, यहां पे मानोगे आप तो ये आपका क्या हो गया भी डीएल अल्पांश हो गया, ये तो हो गया भी आपका डीएल, कहीं पे भी मान सकते हैं भी अपने, ठीक है भी यहां पे ये मान लिया आपने तो ये क्या होता है भी आपका डीएल होता। अब बात आती है भी ये तो डीएल हो गया, इसकी डायरेक्शन भी बता देंगे भी, डीएल वेक्टर है तो डायरेक्शन वाई कैप की तरफ है, यहां पे माना तो यहां पे इधर की तरफ है तो माइनस एक्स की तरफ है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन तो अपने अच्छे तरीके से बता देंगे भी, यहां पे जो आपका डीएल वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या है भी ऊपर की तरफ है प्लस वाई डायरेक्शन के अंदर है, यहां पे आपका जो डीएल वेक्टर माना है इसकी डायरेक्शन क्या है भी ये जो डायरेक्शन है इधर ऊपर फिर इधर फिर नीचे ये क्या है भी डीएल वेक्टर की डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है, तो यहां पे बता देंगे भी इसकी डायरेक्शन क्या है माइनस एक्स दिशा की ओर है, ठीक है, डीएल के जो डायरेक्शन बताने में हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बात आती है भी आगे देखिएगा, ठीक है, अब डीएल के डायरेक्शन बताने के अंदर अपने को कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है भी ए सदिश की बात, ठीक है, ए सदिश की बात आती है, ए सदिश डॉट डीएल क्या होता है भी आपका एडीएल कोस थीटा होता है। ए सदिश के कंपोनेंट क्या कौन से हो सकते हैं भी आपके, ए एक्स कंपोनेंट हो सकता है, ए वाई कंपोनेंट हो सकता है, ए जेड कंपोनेंट हो सकता है, ए एक्स ए वाई और आपका क्या है भी ए जेड कंपोनेंट हो सकता है। अब क्या है यदि अपने पास ये मानो, आप सोचने वाली बात ये ही है, यदि आपने केएल जो पाथ लिया है ये पाथ ले लिया, यहां पे कोई आपने डीएल अल्पांश मान लिया, यहां पे आपने क्या है भी डीएल अल्पांश मान लिया, लाइन इंटीग्रल मैक्सिमम कब होगा यदि अपने ए वाई कंपोनेंट लेते हैं, ए वाई कंपोनेंट लेते तो ए वाई की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये ही है, डीएल की डायरेक्शन इधर की तरफ है, बीच का एंगल क्या हो गया अभी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया 90 डिग्री, तो लाइन इंटीग्रल जीरो। यदि अपने एजेड लेते हैं तो एजेड क्या है भी आपका बाहर की तरफ है, ए वाई ऊपर की तरफ है, एक्स इधर साइड की तरफ है, एजेड बाहर की तरफ है, यही है भी आपका x इधर की तरफ हो गया, y ऊपर की तरफ हो गया, z बाहर की तरफ हो गया, तब भी इस dl और az के मध्य जो एंगल आएगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा भी शून्य हो जाएगा। उसी प्रकार से अपने देखते हैं यदि ax के रूप में लें, ax के रूप में लें तब ax और dl की डायरेक्शन दोनों क्या है भी सेम है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा आपका शून्य होगा, इनके बीच का एंगल क्या होगा आपका शून्य होगा, तब आपका लाइन इंटीग्रल आ सकता है। अब एक बात और समझ में आई, जो आपका लाइन इंटीग्रल आपको जो फाइंड करना होगा
बे आपको जो लाइन इंटीग्रल आपको जो फाइंड करना होगा उसके लिए ये अति आवश्यक है कि उन दोनों के बीच में इस भी आपका जो ए दिया गया और डीएल दिया गया उनके बीच का जो एंगल हो वो क्या हो, जीरो हो। यदि वो ए वाई और ए जेड लिए, सॉरी बी इसके अकॉर्डिंग केएल की बात करें, यदि अपने ए वाई और ए जेड लिए तो लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा भी आपका शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो आपका जो लाइन इंटीग्रल प्राप्त होगा वो किसके कारण प्राप्त होगा, आपका ओनली एक्स घटक के कारण प्राप्त होगा इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब बात आ गई भी यहां पे ऊपर जो आपका भी यहां पे जो लाइन इंटीग्रल फाइंड करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्स कंपोनेंट की जरूरत होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे जो डीएल सदिश है, जो लाइन इंटीग्रल क्या है भी आपका ए सदिश डॉट डीएल सदिश है, तो यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों हो सकते हैं, ठीक है। ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड तीनों जेड तीन हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो डीएल सदिश एक्स डायरेक्शन के अंदर है तो आपके जो ए वाई और ए जेड घटक क्या है भी इस डीएल के परपेंडिकुलर है। ए वाई और ए जेड घटक क्या है भी आपके इस डीएल सदिश के परपेंडिकुलर है और ए वाई और ए जेड घटक इस आपके सदिश वेक्ट बेस डीएल सदिश के परपेंडिकुलर है, तब क्या हो जाएगा वहां पे ए डीएल कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री आपका क्या होता है जीरो होता है, तो लाइन इंटीग्रल जीरो। लाइन इंटीग्रल कहां से आएगा, ओनली सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट के कारण आएगा। बात समझ में आ गई, यहां पे इस क्लोज लूप के कारण जो लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है वो आपका स्पर्शीय कंटिनेंट या भी दोनों क्या है भी समान रूप से हो, तो उस कंडीशन या एंगल क्या हो भी ए सदिश और डीएल सदिश के बीच का एंगल क्या हो जीरो हो, वहां से ही आपका क्या है भी लाइन इंटीग्रल आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर जो आपका लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, यहां पर जो लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है तो ये अपने लाइन इंटीग्रल क्या होता है भी आपके कोई दिया गया है भी ये चीज है, यहाँ पे कोई अल्पांश डीएल है, तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल क्या होगा भी यहाँ के ऊपर सदिश वेक्टर का मान यदि ए सदिश है तो लाइन इंटीग्रल क्या होगा ए सदिश डॉट डीएल सदिश होगा। यदि इस लाइन इंटीग्रल के रूप के ऊपर आपका सदिश वेक्टर का मान ए सदिश है तो आपका जो लाइन इंटीग्रल होगा वो ए सदिश डॉट डीएल सदिश होगा। लाइन इंटीग्रल क्या होगा भी आपका ए सदिश डॉट डीएल सदिश होगा। अब बात यहां पे आती है स्केल पाथ की। अब हमें इस पाथ के ऊपर क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है इस पाथ के ऊपर क्या है भी आपका लाइन इंटीग्रल निकालना है इस के एल पाथ के ऊपर। कौन से पाथ के ऊपर, आपका के एल पाथ के ऊपर। अब जो केएल पाथ के ऊपर जो आपका लाइन इंटीग्रल होगा तो यहां पे क्या है भी डीएल अल्पांश ले लिया, इसके ऊपर सदिश वेक्टर का मान क्या है, इसके ऊपर सदिश वेक्टर का मान क्या है उसके बारे में हमें फाइंड करना है, ठीक है। दूसरी बात मैं बात आपको ये भी बता दूं कि आपको पता है भी जो आपका ये जो एरिया दिया गया है यहाँ पे यदि इधर की साइड जाएं या उधर की साइड जाएं तो घटकों के मान में क्या होता है भी आपका चेंज होता है। एक्स ए वाई ए जेड यदि बिंदु ओ के ऊपर आपके एक्स ए वाई ए जेड के मान क्या है भी आपके बिंदु ओ के ऊपर जो सदिश वेक्टर के जो फंक्शन है एक्स ए वाई ए जेड घटकों के मान है, यदि हम क्या भी ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी जाएं तो एक्स ए वाई ए जेड के घटकों के मान में क्या होता है भी चेंज होता है। और यदि हमें एक्स वाई जेड डायरेक्शनों के अंदर कौन सी भी डायरेक्शन के अंदर जाएं तो भी एक्स के मान में भी तीनों के कारण चेंज होगा, ए वाई के मान में भी तीनों के कारण चेंज होगा और ए जेड के मान में भी तीनों के कारण क्या होगा चेंज होगा, ठीक है। तो आपका क्या है भी यहां पे मानो भी डीएल अल्पांश है, यहां पे मिड पॉइंट में मान लो क्या है भी यहां पे क्या है भी कोई डीएल अल्पांश है ये। अब क्या है भी आपका इस डीएल अल्पांश के ऊपर आपका जो फाइंड करना हो बीस डीएल अल्पांश के ऊपर जो आपका फाइंड करना हो वो क्या हो जाता है भी लाइन इंटीग्रल ए सदिश डॉट डीएल सदिश हो जाएगा। ए सदिश आपका क्या होता है भी ए एक्स
आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट डीएल सदिश। डीएल सदिश की डायरेक्शन क्या है व्याप के? आई कैप की तरफ है। डीएल सदिश की डायरेक्शन क्या है? आई कैप की तरफ है। तो आपके यहां से जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा आ जाएगा बे? डीएल सदिश की डायरेक्शन क्या है आपके? आई कैप है, यही बात आती है। तो यहां पे जो ये ही होगा लाइन इंटीग्रल ए एक्स डीएल आई डॉट आई वन हो जाएगा। आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी बे? जीरो हो जाएगी। आगे वाले जे डॉट आई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। के डॉट आई क्या हो जाएगा भी आपका? जीरो हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ा है भी आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन। और अदर क्या है भी अपने मल्टीप्लिकेशन करें तो उनकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी भी आपके सामने? जीरो प्राप्त होगी। तो आपका जो यहां पे जो डीएल आएगा लाइन इंटीगल केएल पथ पे केएल पथ के ऊपर किसी अल्पांश के ऊपर जो आपका लाइन इंटीगल फाइंड करेंगे वो आपका कॉनली क्या है भी एक्स घटक के कारण फाइंड होगा। कॉनली क्या है भी आपका एक्स घटक के कारण फाइंड होगा। और इसके ऊपर एक्स घटक का मान क्या होगा वो अपने निकालेंगे क्योंकि यहां के ऊपर जो एक्स मान है वो बिंदुओं के ऊपर क्या है भी आपका जो मान है वो क्या है भी आपका एक्स है। यदि इतना नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होगा? और ये बताए भी एक्स के घटक के मान में चेंज क्या भी आपका एक्स वाई जेड डायरेक्शनों के अंदर कहीं भी पर जाएं एक्स के घटक के मान में क्या होगा आपका? चेंज होगा। ठीक है, क्लियर हो गए यहां तक? अब देखिएगा देखिएगा आपका कोई एक्स वाई क्या है भी आपका प्लेन लिया गया है और यहां पे क्या है भी कोई मूल बिंदु क्या है भी ओ मान लो और यहां पे क्या है भी कोई एक आयताकार लूप है जिसकी क्या है भी लंबाई डी एक्स मान लो चौड़ाई क्या मान लो भी आपकी डी वाई है। ठीक है, और जो टोटल पाथ है के एल एम एन एल है। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज के रूप में क्या है भी आपका रेखा समाकलन को आप फाइंड करना है। ठीक है, और किसी सदिश वेक्टर का क्या है भी आपको कर्ल फाइंड करना हो, किसी सदिश वेक्टर का कर्ल फाइंड करना हो तो वो लाइन इंटीग्रल मैक्सिमम अपॉन क्या है भी एरिया कर देते हैं। एरिया क्या है भी आपका dx अपॉन dy है। लाइन इंटीग्रल निकालना होगा आपका तो आप पहले क्या है भी kl का लाइन इंटीग्रल फिर lm का लाइन इंटीग्रल फिर mn का लाइन इंटीग्रल और फिर क्या है भी आपका nk का क्या है भी लाइन इंटीग्रल फाइंड कर लोगे। ठीक है, अब क्या है भी आप सबसे पहले क्या है भी केएल का लाइन इंटीग्रल आप फाइंड करोगे और कोई केएल के पथ पे क्या है भी कोई अल्पांश ले लो वहां पे जो लाइन इंटीग्रल होगा यदि वेक्टर माने तो ए सदिश मान है तो ए सदिश डॉट डीएल सदिश होगा। अब क्या है भी यहां पे है कि इसका मान क्या है भी ए सदिश डॉट डीएल कब प्राप्त होगा? जब यहां पे जो इसके घटक क्या हो जाएंगे भी एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू कब प्राप्त होगी जब लाइन इंटीग्रल की? जब यहां पे क्या है भी एक्स घटक के मान के कारण तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड होगी, ए वाई और ए जेड घटकों के मान के कारण नहीं होगी क्योंकि वहां पे बीच का जो एंगल है वो थीटा क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा और कोस 90 क्या हो जाता है भी आपका जीरो हो जाता है। तो आपको यहां के ऊपर क्या है भी एक्स घटक का मान चाहिए। अब वो एक्स घटक का मान क्या है भी अपने किस प्रकार से फाइंड करेंगे? ठीक है, बीस डीएल अल्पांश के ऊपर आपको किसका मान चाहिए? एक्स घटक का मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए। वो कितना चेंज होगा वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो देखते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है।